की जानिब से जंगबंदी मुहिदे के खिलाफ वर्जी पर न्यूज 18 ने किया सवाल। वजारत खारजा के तर्जमान अरिंदम बागची ने कहा, हमारे दो तरफा मुहिदों की है खिलाफ वर्जी। सिफारती सतह पर भी उठाया गया है मामला। जंगबंदी मुहिदे पर दस्तखत के बाद मजमूई तौर पर है छठी खिलाफ वर्जी। सरहदों की हिफाजत और अपनी कौम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है पुरअज़्म। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस का बयान, कहा पाकिस्तान की हरकतों का दिया जा रहा है मुंहतोड़ जवाब। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने किया एहतजाज, कहा चौधरी लाल सिंह की ईडी के जरिए गिरफ्तारी को बताया इंतकामी कार्रवाई, कहा डोगरों की आवाज को दबाने की है कोशिश। डोगरों के साथ ऐसा सलूक किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अमरनाथ जी के लिए रोड की तामीर के हैं हक में, मगर माहौलियात का ख्याल रखना जरूरी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार सुलवानी का बयान, कहा इंडिया एयरलाइंस के लिए होगी सीट शेयरिंग पर बात। जम्मू बेल्ट में हमले और टारगेट किलिंग्स सब के लिए बाइस से तश्वीश। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद का बयान, यूटी में बिजली की सूरत हाल पर भी किया अफसोस का इजहार। स्कीमों को बिला ताखीर पहुंचाना चाहिए मुस्तहकीन तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का बयान। जम्मू में पेंशनियर्स के सम्मेलन से किया खिताब, बेवाओं और जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद से खुद रोजगार की मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने की अपील। वस्ती कश्मीर के सियाहती मकामात पर नेक्सस सरगर्म, दुधपथरी के मकाम पर है सयाहों को ठगने वाला नेक्सस सरगर्म। पार्किंग प्वाइंट से ही सयाहों के साथ होती है धोखाधही शुरू।